एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ शनिवार को यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं इस रीडिंग में कि आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या चल रहा है, ये दोनों हम इस रीडिंग में देखेंगे और फिर हम देखेंगे इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। अभी इस वक्त थर्ड पार्टी कौन होती है, थर्ड पार्टी क्या होती है, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा खासा चल रहा था, सडनली चीज़ें ख़राब हो गई किसी और के आने से या किसी सिचुएशन के कारण, किसी अपने के कारण, किसी पराए के कारण, जो भी रीज़न, तो यहाँ पर इसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, अभी जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के लाइफ में अगर मेरे व्यूअर्स के अलावा कोई और सिचुएशन है जिसके कारण रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। मोरालिटी, फ्रेंडलीनेस, पेशेंस, प्रोजेक्शंस, द क्रिएटर, इनर वॉइस, टू मोर कार्ड्स, पॉसिबिलिटीज, ब्रेक थ्रू विद द बर्डन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सक्सेस। ओके, एक कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना है तो मैं उसे क्लैरिफाई कर दूं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर दें। फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई किया है गिल्ट एंड आइसोलेशन ने। मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ यूनियन में बहुत खुश तो नहीं है, हैप्पी एनर्जी आई है, तो क्या ये खुश हैं, बिकॉज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा यहाँ पर मैंने इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझा, एंड वी हैव गॉट आइसोलेशन विद गिल्ट। तो अब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपके पर्सन ने गलती तो की है, कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसी गलती की है कि इन्होंने लालच में आके किसी और को अपने लाइफ में आने दिया है। मतलब आपसे प्यार है, आपके लिए दिल में जगह है, सब कुछ है, लेकिन इनको किसी और की तरफ से जैसे थोड़ा एक तरह से कहते हैं ना कि किसी और ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया और इन्होंने लपक के पकड़ लिया। इनको लगा कि इनकी भाव बहुत बड़ी हुई है और आपका पार्टनर तो है ही, इनको भी देखते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप आ गया है इनकी लाइफ में, इनकी कोई गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया है, इनको ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांड में हूँ और मेरा पार्टनर भी जेलस होगा जब जानेगा कि मेरे लाइफ में कोई और पर्सन भी आ सकता है, तो मेरी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी, भले मैं ज़्यादा सीरियस ना हूँ। बट ये सीरियस हो गए, मतलब इन्होंने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे दी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता था या करती थी और सडनली उसकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आया, उससे उन्होंने शादी कर ली या उन्होंने उसको प्रपोज कर दिया या उन्होंने उसके कारण आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, आपको बोल दिया उल्टा सीधा कि हाँ चल मैं हूँ किसी और के साथ, तुझे जो करना है कर, इस तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत बुरा व्यवहार किया आपके साथ। कुछ लोगों के साथ ही ये होगा, सबके साथ नहीं, जिसके लिए आई होगी एनर्जी। तो उस टाइम तो इनका भाव बढ़ा हुआ था, बट जब उस व्यक्ति से इनको धोखा मिला है, उस व्यक्ति ने इनका दिल तोड़ा है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैंने भी किसी का दिल तोड़ा था, मैंने भी किसी को हर्ट किया था। जैसे वो रोया होगा या रोई होगी, वैसे ही आज मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ। और अब इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ है, गिल्ट भी है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तो अब कुछ लोगों के पार्टनर आप देखोगे ना, तो जो छोड़ के चले गए थे ना, वो वापस आएंगे, उनको पछतावा होगा। स्पेशली अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी। जैसे अगर मैरिड कपल में कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी किसी ने भाव दे दिया तो अपनी पत्नी या अपने पति से हट गए,
उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण हो गया, और जब उसने डिटैच कर दिया कि नहीं मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो बस दोस्ती रख सकता हूँ, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि यार इसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को चीट कर दिया या इसकी वजह से मैंने अपनी वाइफ को चीट कर दिया। तो गिल्ट होता है ना, तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए आया है ये कार्ड। तो यहाँ पर ये वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पे कंफ्यूजन में है कि मतलब इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, ये वाली सिचुएशन है, और ये पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं कि दोनों लोगों को रख सकता हूँ क्या। अब चाहे एक तरफ इनका परिवार हो एक तरफ आप हो, तो ये तो समझ में भी आता है कि हाँ एक तरफ फैमिली एक तरफ आप हैं तो दोनों को रखना ही होगा, किसी को भी छोड़ना ठीक नहीं है। बट अगर एक तरफ, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक ही व्यक्ति एक तरफ विवाहित है और दूसरी तरफ किसी से प्यार कर बैठा है, अब वो दोनों को रखना चाह रहा है, इसको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि जिम्मेदारी है, समाज के सामने उसने वचन लिए हैं, शादी करी है, और इसको भी नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि इसको इसने प्यार किया है। तो अब दोनों ही पकड़े हुए हैं और दोनों में जगल कर रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। तो ये वाली सिचुएशन भी है कई लोगों के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसे हम कहते हैं आजकल। इसके अलावा वी हैव ब्रेक थ्रू। कुछ लोगों के लाइफ में तो कार्मिक सिचुएशंस हैं जो कि बर्डन बनी हुई हैं, और बहुत जल्दी इस सिचुएशन से आपके पर्सन सक्सेसफुली बाहर निकल जाएंगे, तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना है, कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन ये अगर अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर, और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन भी रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, सब्र रखा हुआ है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ये वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पर्सन, होपफुल भी हैं कि एक ना एक दिन ये सिचुएशन जो आपके साथ ख़राब करती है इन्होंने, उसमें बैलेंस आएगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत बहादुर हो क्योंकि आपने इतना कुछ सहा है इनके कारण। ये भी इनको लगता है कि आपके जैसा दोस्त इनके लिए मिलना और आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। ये जितनी हैप्पीनेस आपके साथ फील करते हैं या जितना खुश दिल से आपके साथ रहते हैं, उतना किसी और के साथ नहीं रह पाते। बॉटम से है द फेरी लैंड, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, वापस आने की वाइब्स है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में ये दुविधा है कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं, पता नहीं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हों, मुझे भूल गए हों, मुझे याद ही ना करते हों। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं, 24 घंटे आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, और यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों का यूनियन बहुत जल्द हो सकता है। कितने दिन में होगा इस रीडिंग को देखने के बाद, कितने टाइम पीरियड के अंदर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आ जाएंगे उनके पर्सन। 6 और 8 नंबर है, 8-8 की एनर्जी है। क्या निकल जाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से? यस, डेथ का कार्ड आ गया। बहुत सारे व्यूअर्स लकी हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जैसा हमने देखा कि उनको धोखा मिला है, 3 ऑफ सोर्ड्स विद गिल्ट आया है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ धोखा खा चुके हैं या तो धोखा दे चुके हैं, कोई ना कोई ब्रेकअप हो चुका है, सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे मूविंग ऑन को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे वहाँ से अब बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कि अब आपको कन्विंस कैसे करें, आपकी तरफ वापस कैसे आएँ। लेकिन इन्हें होप है कि अगर ये वापस आते हैं या आती हैं तो आप शायद इन्हें माफ़ कर दोगे। इमोशनली इन्होंने विड्रॉ किया हुआ है इस टाइम पीरियड में, किसी से भी इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बैठ रहा, लेकिन ये होपफुल है कि चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आया है, जो भी दूरियाँ आई हैं किसी भी कारण से, चाहे फैमिली, चाहे अदर पर्सन, अदर सिचुएशन, वो सब दूर हो जाएंगी, ये इनको पूरा पूरा विश्वास है। ये थी गाइस आज की रीडिंग। इस रीडिंग को देखने के बाद 6 से 8 दिन के अंदर या 6 से 8 घंटे के अंदर, कुछ लोगों के लिए 80 घंटे के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाले टाइम में रेजोनेट कर जाए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।